दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी बिग अपडेट सामने आ रही है। 2 महीने बाद चंद्रयान 3 ने चांद की भयानक दुनिया में कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखने के बाद इसरो के भी होश उड़ गए। चंद्रयान 3 में परमाणु तकनीक का उपयोग, क्या था इसका मकसद? क्यों इसरो के मिशनों के लिए साबित होगा फायदेमंद? चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा पर परमाणु तकनीक का उपयोग किया गया था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा तक ले जाने वाला चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल परमाणु तकनीक से संचालित है। 2 रेडियो आइसोटोप हीटिंग इकाइयां RHU मॉड्यूल पर हैं, जो मौजूदा समय में चंद्रमा की कक्षा में है। रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट एक उपकरण है जो एक विशिष्ट आइसोटोप के रेडियोधर्मी क्षय से पैदा ऊर्जा का उपयोग करके गर्मी उत्पन्न करता है। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की सतह पर स्थायी रूप से स्लीप मोड में है। फिर भी अंतरिक्ष यान से जुड़े हर नए खुलासे और सूचनाएं लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। सबसे ताजा खुलासा यह है कि चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा पर परमाणु तकनीक, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा तक ले जाने वाला चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल परमाणु तकनीक से संचालित है। 2 रेडियो आइसोटोप हीटिंग इकाइयां RHU मॉड्यूल पर हैं, जो मौजूदा समय में चंद्रमा की कक्षा में हैं। ये 1 वॉट ऊर्जा पैदा करती हैं। इस हीटिंग यूनिट की कार्यप्रणाली भविष्य में चंद्रमा पर लंबे समय तक चलने वाले परमाणु आधारित मिशनों के लिए रास्ता तैयार करती है। रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट RHU एक उपकरण है जो एक विशिष्ट आइसोटोप के रेडियोधर्मी क्षय से पैदा ऊर्जा का उपयोग करके गर्मी उत्पन्न करता है। जब एक अंतरिक्ष यान पर RHU लगाया जाता है, तो उसका पहला काम अंतरिक्ष की ठंडक में यान पर लगे विभिन्न उपकरणों के लिए गर्मी का एक भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाला स्रोत प्रदान करना होता है। यह उन मिशनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अत्यधिक ठंडे वातावरण में संचालित होते हैं। इसमें बाहरी अंतरिक्ष या अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, जहां इलेक्ट्रिक हीटर जैसी पारंपरिक हीटिंग विधियां काम नहीं कर सकती हैं। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 ऐसी यूनिट्स हैं। इनको प्रायोगिक और प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था। इसरो का लक्ष्य अब अपनी सफलता को आगे बढ़ाना है। RHU में प्लूटोनियम डाइऑक्साइड PuO2 के रूप में एक रेडियोधर्मी आइसोटोप, आमतौर पर प्लूटोनियम 238 Pu-238 होता है। इस आइसोटोप का समय बीतने के साथ क्षय हो जाता है। इस क्षय प्रक्रिया से गर्मी पैदा होती है और उसकी मात्रा पूर्वानुमानित होती है। इस ऊष्मा का उपयोग अंतरिक्ष यान या विशिष्ट घटकों जैसे वैज्ञानिक उपकरण, ईंधन टैंक या महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स के भीतर तापमान बनाए रखने के लिए किया जाता है। रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट का उपयोग करने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह मिशन को लंबा जीवन देता है। उदाहरण के लिए, प्लूटोनियम 228 का आधा जीवन लगभग 87.7 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि यह कई दशकों तक गर्मी का एक स्थिर स्रोत प्रदान कर सकता है। इसलिए दशकों तक चलने वाला मिशन भेजते समय रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट एक अच्छा विकल्प है। एक और फायदा यह है कि RHU अत्यधिक भरोसेमंद है, क्योंकि वे चलती भागों या बाहरी बिजली स्रोतों पर निर्भर नहीं होते हैं। यह उन्हें मानव रहित मिशनों के लिए आदर्श बनाता है, जिन्हें लंबे समय तक कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। चांद पर फिर सूरज उगा है और साउथ पोल पर धूप पहुंच गई है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जगने का अभी तक कोई सिग्नल नहीं भेजा। ISRO के साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर विक्रम और प्रज्ञान एक्टिव हो जाते हैं, तो ये एक अप्रत्याशित सफलता होगी। स्पेस साइंटिस्ट सुवेंदु पटनायक के मुताबिक, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद यहां रात हो जाती है। रात के समय चंद्रमा का तापमान 250 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में इन 14 दिनों के दौरान ही चंद्रयान अपना काम कर चुका था और चांद की सतह से उम्मीद मुताबिक सारा डेटा ISRO साइंटिस्टों को दे चुका है। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर स्थित शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड किया।
इसके बाद शिव शक्ति पॉइंट से 105 मीटर दूरी तय करने के बाद रात होने से पहले लैंडर और रोवर को सुला दिया गया था। रोवर को सुलाने से पहले ऐसी दिशा में रखा गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश सीधे सौर पैनलों पर पड़े। उम्मीद मुताबिक ऐसा ही हुआ। ऐसे में इसके जागने की उम्मीद लगाई जा रही है। ISRO के मुताबिक विक्रम लैंडर के कुछ सर्किट्स को सोने नहीं दिया था, वो जग रहे थे। इसके बावजूद चांद पर दिन होने के बाद जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश की जा रही है तो उनसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। रोवर को शिव शक्ति पॉइंट से 300 से 350 मीटर की दूरी तक भेजने का प्लान था। अभी उसे चांद पर पानी की मौजूदगी का भी पता लगाना था। ऐसे में अगर रोवर जग जाता है तो दोबारा उसे काम में लगाया जाएगा। भारत ने 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ ही इतिहास रच दिया था। अब चांद पर सफल लैंडिंग करने वाले लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को लेकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण ने बड़ी बात कही है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण ने चंद्रयान 3 मिशन के अंत के संकेत देते हुए दावा किया कि विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान के अब दोबारा सक्रिय होने की कोई उम्मीद नहीं है। पिछले दिनों इसरो ने चांद पर भेजे अपने लैंडर और रोवर से संपर्क साधने की कोशिश की थी। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े रहे पूर्व इसरो चीफ ने कहा, प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम के फिर से सक्रिय होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसे सक्रिय होना होता तो अब तक हो चुका होता। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के एक महीने बाद 22 सितंबर को चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से संपर्क साधन की कोशिश की, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी संकेत नहीं मिले। पूर्व इसरो चीफ AS किरण ने आगे कहा, इस मिशन में हमने जो हासिल किया है वो ये है कि हम एक ऐसे क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां कोई भी नहीं पहुंच पाया है। वास्तव में ये बहुत उपयोगी जानकारी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आगे जो भी मिशन होंगे उसकी योजना बनाने में इससे बहुत मदद मिलेगी। इसरो के पूर्व चीफ ने चांद से नमूना लाए जाने को लेकर मिशन शुरू करने की बात की, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी। पूर्व इसरो चीफ ने आगे कहा, इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल की है। अब निश्चित तौर पर वो मिशन भी होंगे जब भविष्य में वहां से सामान उठाए जाएंगे और वापस लाए जाएंगे। आगे इसे लेकर कई तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चांद पर आगे और भी मिशन होंगे तो कमेंट में जरूर बताएं। और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें जिससे हर किसी को पता चले कि अब और भी चांद पर चंद्रयान 3 की तरह मिशन होंगे और वह भारत का सीना चौड़ा करके दिखाएंगे।